वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा बीहर भले कर सुबह बेरार प्रोग्राम में इन प्रोग्राम 57 के कैंडी बिस्किट जो ठहल है ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और कैरमल से। कैंडी बिस्किट में जी खास मिठास है वो बेकैमें भी कोने। जी अस अगर प्रोफेसर मौजूद हैं, एक खूबसूरत कंपेयर भी रही चुका है, खूबसूरत शायर भी हैं, तो पूछूँ तुम लिखो जी कड़ी शायरी लिखी? कल चूंकि योम यकजहती कश्मीर है ना, पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस दिन को डीन को मनाने का मकसद यही है कि हम कश्मीरियों को ये पॉइंट ऑफ किए कि भाई हम आपके साथ हैं और रहेंगे साथ, और एक उस वक्त तक जब तक के आप पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन जाते। और हमारा जो स्लोगन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त तक हम एक्टिविटी करते रहेंगे। तो कल के दिन के हवाले से कुछ मैंने शायरी की है, तो मैं आपको थोड़ा तरन्नुम के साथ सुना देता हूँ। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, तेरी छाँव है ख्वाब हमारा, होगा ये ताबीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, एक जल्लाद ने रूप बदल कर सर पे ताज सजाया है, फूलों की वादी में हर सू मुस्लिम खून बहाया है। जुल्म की तेरी रात ढलेगी, टूटेगी जंजीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, तेरी छाँव है ख्वाब हमारा, होगा ये ताबीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, तू शद्दाद है जन्नत हरगिज तुझको रास न आएगी, तू शद्दाद है जन्नत हरगिज तुझको रास न आएगी। गैरत मुस्लिम शोला बनी है, तुझको राख बनाएगी, चीर ही देंगे एक दिन तुझको बनके हम शमशीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, ए इंसाफ के जुम्मेदारो कब इंसाफ दिलाओगे, ए इंसाफ के जुम्मेदारो कब इंसाफ दिलाओगे, गूंगे बहरे बन के कब तक हमसे नजर चुराओगे, झूठे बातिल दावे उसके, झूठे बातिल दावे उसके, ये मुस्लिम जागीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर, तेरी छाँव है ख्वाब हमारा, होगा ये ताबीर। ए अर्ज़े कश्मीर, ए अर्ज़े दिलगीर। जबरदस्त, बाकी इंशाल्लाह जो इंसाफ भी जरूर मिलो, कश्मीर पाकिस्तान जो हिस्सों भी थो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिशों भी जारी हैं, जी तो इंसान पैंजो जो कंदो रहंदो तो यकीनन उनके मंजिल जरूर मिलती, ऐं जेको एतिरो इंसान ज़ुल्म सही सही खे पोइ आज़ादी ज़रूरु मिलंदी। अच्छा त तव्हां इहो कीअं भला हुबल वतनी ते ई हमेशह शायरी कंदा आहियो? असल फाती मेरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा। हाँ, और उसमें मेरी पोजीशन भी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो अब आदमी जो काम कर रहा होता है ना, उसके असरात हर वक्त, तो हमारा उठना बैठना हिस्ट्री या पाकिस्तान, हिस्ट्री या पाकिस्तान।
अच्छा, अब एक बींग ए पाकिस्तानी तो एक हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं ना, आज़ादी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कॉल है, बड़ा बहुत अच्छा कॉल है कि आज़ादी हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल काम उसकी हिफाजत करना है। हिफाजत कर। तो अब जो पूरी दुनिया में सैनारियो चल रहा है ना, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका का कहते हैं, तो हमें अपनी आज़ादी की भी हिफाजत करनी है, और वो जो हमारे भाई कैद हैं आज उस दुश्मन के कब्जे में, तो उनको भी आज़ाद कराना है। तो आप जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो ना, तो बस वो आपके जहन में रहता है। अच्छा, जब आप फिर वो कलम लेके बैठते हैं ना, तो आपका A to Z बस वही चीज़ होती है। सही, अच्छा, अब कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ था, अब कुछ हालात ऐसे हैं, तो बस वो कलम जब भी कलम उठता है। है तो वो वतन के सर्कल से बाहर नहीं जाता। और आजकल का जो करंट इशू है ये कश्मीर का है, तो हम जाहिर है वहां जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम कलम अपने के कलम के जरिए तो फाइट कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अवेयर तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं ना कि आप ईंट रखते चले जाएं तो दीवार बन जाएगी, तो ये एक तरीके से ब्लॉक है। इंचे तो कोई स्ट्रगल के जरिए रख रहा है, कोई कलम के जरिए रख रहा है, कोई स्पीचेस के जरिए रख रहा है, कोई वॉक के जरिए रख रहा सही है, सही तो ये एक दीवार बन रही है। हम जो हमारा दुश्मन है ना, उससे आज़ादी के लिए हम एक, आज़ादी हाँ करें। बिल्कुल सही थे। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी या पाक स्टडी के जी हवाले से, तो इसमें स्कोप है? हाँ, स्कोप बहुत है, इसके ऊपर बहुत स्कोप है। अक्सर मैंने तो सुना है YT करते हाँ, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं और लेंदी नहीं, बात दरअसल ये है कि वो लोगों में मोटिवेशन नहीं है। देखिए आप, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो इसमें MA कर लेता है ना, उसके लिए जॉब तैयार खड़ी हुई है, क्योंकि ये सही। हाँ कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप स्कूल साइड पे जाएंगे कंपलसरी है, आप हायर सेकेंडरी की तरफ हाँ जाएंगे मस्ट इंटर है, में, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल है, आप ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे वहाँ है, और फिर आप पाकिस्तान के किसी भी एग्जाम को देखें, वो पाकिस्तान स्टडीज से बाहर नहीं है। इवन कि आपके CSS के जो इम्तहान होते हैं ना, उसमें भी 300 मार्क्स के दो पेपर हैं, इंडो पाक हिस्ट्री 1, इंडो पाक हिस्ट्री 2, टू और सही, वो भी इससे रिलेटेड इसी है, से रिलेटेड। बिल्कुल चलिए मैं रिलेटेड है, कॉल ले लूँ फिर यहीं बिल्कुल से बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। हेलो, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, जी। केयर किथा का मुझे पैर में क्या के तारुफ तमाम करें रही ना, हूँ, वादा ये हो जाए प्रोग्राम करण जी हो मेहरबानी। अनी असा जे मेहरान जी जो है सो चैनल के भी माशाल्लाह दादा बेहतरीन प्रोग्राम करे, तो आज जी प्रोग्राम के हवाले से तो तमाम जो को सो अवेयरनेस वाला सुठो प्रोग्राम आए जी। कैंसर बीमारी के ला तो जी दा बैठो आ उन्हें चयो तो एकड़ो तो जो आए सो इन में अवेयरनेस जरूरी आ, सही तरी बीमारी आए तो इन में जो स्कूलन कॉलेजन में जो बेहतर आए ना इन में एक किस्म की अवेयरनेस जो पैर होंगी हुई असाजे टाइम में भी डॉक्टर हों कॉलेज स्कूल में कॉलेज स्कूल के बार घर में घर में पाड़े में तकरीबन सजे शहर में पाकिस्तान में मुल्क सुठे नमूने से थी वे तो पे अदा यो ही तो है सो इन बीमारी से रीजन कड़ा रीजन यह बीमारी एडी पखड़ी वही है एक तो गुटको चवन हवा तो कैंसर तमाम वही वही ठीक है बो पानी अस साफ सुथरो ना है इन ठटे सजावल पास सी साइड की तरफ से पानी बिल्कुल ना गुटको एडे बो तालीम जो तमाम घट तालीम घट होने के करे मानून में गुर्बत घनी थी वही मानून के कुछ थी कुछ शे खाने के बदरा खादे खाने के बदरा वो छाया उन्होंने फूड की सही सहूलतू ना तो गुटको वात में विझी था छे जो पूजो व्यू आठो तो वो बो फास्ट फूड जो अस घो अची वो अनहाइजेनिक उन्हें बस पैसे कमाने की जोड़ में जो मानून सब जो है सो पैसे कमाने की जोड़ में इंसान की जिंदगी उन्होंने लाइड जो है सो गेम थी वही है इंसान की एतरी कदर ना है तो तुम पैसों तो आस पास कमाए सकूँ पर हाइजेनिक शूं सुन जो असो समझन घुर्ज अस भी घर में बार या गरीब आयो सब पा के बाबा बार खाधो छो था खाऊ खाधो सूदो घर में जो है दाल सब्जियों साफ सुथर करें सुठे नमूने या ये सब दाल या बी जी शूँ सब घट जो पानी में जो पोखियों थी वन तो असा सभी बीमार के पान जो किया इस्लाम इस्लाम असो सफाई तमाम घो बिल्कुल साफ सुथरा रहो साफ सुथरा खाधा खाओ नमाज पढ़ो पंज वक्त वजू में रहो तीन जो कोरोना बीमारी आई है चाइना में यो ही बुधा तो वे तो असो इस्लाम वो जो उसूल आर वक्त वजू में रहो मन तुम गलो जो निम हो पानी से भरल हो वजू थियल हो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही मन में पे वन साफ सुथरा रहो खाधो खाओ एक बे गए पर अड़े नमूने खाओ तो जी एक खाध तो या सह न वे कें सह न वे केतरों शो असा इस्लाम एडी सहूलत दिनों स्कूल कॉलेज दियो इस्लाम असो केतो बेहतरीन असो जिन हटी वह जैसे कैंसर जड़ी बीमारियों भी असा में अची वही
सही तो बार नंढड़ी के तो 8 साल खीर प्यारो मां के तक की गया पर हाने दिसो तो जिम्मेदारी उन मजबूरी उन या पेशे न थी गयो शो ऑफ थी गयो सब अरे की खीर सब है ॾाढी ख़ूबसूरत जेके काफ़ी सुठा जेके पहलू तव्हां पॉइंट आउट करवाया आहिनि लेकिन तव्हां पाण छा कंदा दी अॼु मां प्रोफेसर आहियो अच्छा प्रोफेसर कहिड़े सब्जेक्ट रिलेटेड हा लिटरेचर जी आहियां मां सिंधी लिटरेचर जी प्रोफेसर आहियां ऐं माशाल्लाह मूंखे बि नंढे हूंदे काई शौक़ु हूंदो आहे अहिड़े प्रोग्रामनि जो जेको आहे अहिड़े क़िस्म जी अवेयरनेस जिथे बि केरु वेहंदी आहे अहिड़े क़िस्म जी मां कोशिशि कंदी आहियां जीअं असां चए थो त ज़रूरी न आहे त असांखे गवर्नमेंट ॾिए या असांखे कोई तासीद करे प्रेशर हुजे त असां ॾियूं वेही करे असां बि जेको आहे क़िस्म जूं कॉमेडियूं ठाहियूं ॿाहिरि निकिरूं ऐं माण्हुनि खे घरनि में अवेयरनेस ॾियूं या अहिड़े क़िस्म जूं जेको आहे हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहे करे माण्हुनि खे घुराए करे इन्हनि शयुनि जूं त पव तव्हां बीमारियुनि खां बचो छो जो रुगो डॉक्टर जेको आहे ॿिए तरफ़ा न थींदो तव्हां पाण ई जेको आहे परहेज़ कंदो तव्हांखे इहो जेको आहे केतिरी बीमार परे कंदो इहो सुठो आहे त हिकिड़ी परहेज़ कयूं असां इस्लाम ते पूरी तरह सां जेकॾहिं पाबंद न था थियूं त कुझु न कुझु जेको आहे उसूल जेके इस्लाम जा उन्हनि जो कयूं वुज़ू में रहूं ॿारनि खे चऊं न कयूं बाबा तव्हां वुज़ू में रहो बसि काफ़ी सुठा जेके पॉइंट्स जेके आहिनि हाईलाइट करायां जेके असां कॾहिं कॾहिं सोचे सम्झे ख़बर बि हूंदी आहे पर पोइ बि असां उनखे सम्झण ऐं मञण जे उन ते एग्री कोन हूंदो पर हिकिड़ो वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं हिन प्रोग्राम सां ताबुन कयो कैंडी बिस्किट जेको ठहियल आहे ब्राउन शुगर वाइट शुगर ऐं कैरेमल सां कारे नमूने जो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़िन नाज़िन हिकिड़ी कॉल मौजूदु आहे कॉल वठंदासीं हलो सलामु वालेकुम सलाम अदी छा हाल आहे जी दा भाउ पंहिंजो तारीफ़ कराईंदो केरु किथां खां अदी शहर मक़सूदगंज खां अवांखे भलीकार सुबुह में प्रोग्राम में तव्हां हमेशह असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा रहंदव जी छा चवणु चाहींदो अॼु जे टॉपिक जे हवाले सां जी बिल्कुलु अॼु अवांजो प्रोग्राम ॾिसूं था लाइ असांखे मज़ो पियो अचे ऐं जेका आहे टॉपिक कश्मीर जी ॻाल्हि हले थी आज़ादु कश्मीर बिल्कुलु जिते बि ॻाल्हि हलंदी आहे असां ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं असांजी कोशिशि आहे असां कश्मीर सां गॾु आहियूं ऐं बिल्कुलु असांजी महिनत आहे कॾहिं बि अलाह पाक जी महिनत रायगा न बनाई आहे बिल्कुलु उनजी महिनत अलाह सां उनखे फल ॾींदो आहे ठीकु आहे त वॾी वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो जी बात चल रही थी सब्जेक्ट के स्कोप्स के हवाले से बिल्कुलु मैं इसको थोड़ा नरेट करने से पहले वो जो भी अदी का फोन आई कॉल आई थी ना जी जी प्रोफेसर उसमें हाँ बिल्कुल मैं उनकी दो तीन बातों को सेकंड करूँगा एक तो उन्होंने पीने का साफ पानी की कहा ये बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए ठीक है ना उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं जो कैंसर की तरफ कन्वर्ट होते हैं दूसरी उन्होंने बार बार एक बात को रिपीट किया नमाज और वज़ू तो मैं आपको बड़ी कम और बता दूँ शायद पहले भी आपको इल्म हो लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि जब हम वज़ू करते हैं ना तो हमारी बॉडी के जो टोटल 66 मसल्स हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं पुरसकून करते हैं तो उसमें से जब वज़ू करते हैं हम तो 61 मसल्स टच होते हैं और 5 टाइम हम जब अपने सेंसेस को धोते हैं ना तो फिर तो बीमारी हमसे दूर ही जाएगी फिर रही सही कसर हम नमाज जब सजदे में जाएंगे तो अर्थिंग होती है बिल्कुल ये सारे एलिमेंट्स ऐसे मैं उनकी बात को बढ़ाऊँगा हमारा मज़हब ही इतना प्यारा है कि हमारी वेयरिंग हो हमारी फूड हो हमारी जो इबादत हो उसके अंदर वो बीमारी बहुत दूर है ठीक है तो ये उनकी बात को सेकंड अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट की तरफ देखिए बात ये कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप करते क्यों हैं कि भाई जॉब मिल जाएंगी ठीक है अच्छा आपको जो ना वो थोड़ा सा है ये ड्राई सब्जेक्ट कि भाई थोड़ा लोग भागते हैं लिखना ज़्यादा पड़ता है लेकिन जब आप इस सर्कल में इन हो जाते हैं ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है यानी आप ऐसा लगेगा जैसे आप अपने आप से बात कर रहे हैं जैसे मैंने जब पढ़ा था तो उसमें एक जगह सब्जेक्ट है सिंध हिस्ट्री सिंध के मुतालिक पढ़ा जाता है उसके अंदर और उसमें ऐसी सी चीज़ें हमें पढ़ने को मिली हिस्ट्री ऑफ सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से उससे पहले वो हिस्टोरिकल प्लेस भी हमने पढ़ी वे ऑफ रूलिंग भी देखा सम्मा का क्या क्या था टालपुरों का क्या था और उससे पहले अरगून जो आए वो क्या थे मकली के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें वो हम नहीं पढ़ सकते थे अगर वैसे सोचते तो नहीं पढ़ सकते थे फिर इसी तरीके से पूरी जो दुनिया के अंदर जो कहना चाहिए कि जो कहना चाहिए वेदर चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर आप उसके अंदर ऐसी सी चीज़ें पढ़ते हैं यानी पूरे पाकिस्तान में कहाँ कौन सा दरख्त है उसकी वैल्यू क्या है मिनरल्स कहाँ पर है तो इस सब्जेक्ट में आप बैठेंगे थोड़ा सा है तो हार्ड लेकिन जब आप इन हो जाएंगे ना तो आप समझ में जब आने लगे आ जाएगा तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप खुद अपने मुतालिक आप पढ़ रहे हैं भाई आप अल्लाह करे अभी ऑफिसर बन जाते हैं
जब ऑफिसर बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में होगी ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे उसके अंदर तो आपको जबरदस्त लगेगा उसके अंदर। वो सुई गैस की फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, माइनिंग की फील्ड हो, इवन कि अब तो जो एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है ना, हमारे तकरीबन 55% लोग की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर। अभी पिछले दिनों मुझे टंडो जाम यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर जो है ना वो एग्रीकल्चर के जो पार्ट बनते ना इंजीनियरिंग के, वो जैसे हम नेट पर देखते हैं चाइना के और थाईलैंड के उधर के, वो सारे पार्ट्स यहाँ बना रहे हैं, वो लोग मशीनें बना रहे हैं, और उससे हमारा टाइम इतना बचता है यकीन करें। और एक जबरदस्त खुशी की बात ये कि हमारा वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की तरफ भागता था ना कि भाई मैंने सिविल में करना, मैकेनिकल में करना या डॉक्टर, तो अब वो टंडो जाम जा रहे हैं, टंडो जाम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी वैरायटी। अब क्या हुआ कि उन्होंने बाकायदा नेट के जरिए मतलब उससे हेल्प ली कि देखिए कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप लॉयर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाए या आप ये बन, आप इधर भी आ सकते हैं। और ये ऐसे है जैसे बिल्कुल आप एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट है, आपने वहां से घर लिया तो आपको तो फिर रोजगार से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने क्यों सब्जेक्ट, आपके पेरेंट्स की वजह से या आपका शौक या किसी ने आपको कहा या टीचर्स? हाँ, असल ये भी एक थोड़ी सी बात ये कि मैं तो बेसिकली स्पोर्ट्स मैन था। अच्छा। हाँ, मैंने तकरीबन 17 साल क्रिकेट खेली है और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को, हैदराबाद बोर्ड को, अंडर 19 को, सबको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और मेरे बैच में जो है ना वो वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये मेरे बैच के हैं, पाकिस्तान के टॉप के ना, तो ये सब हमारे बैच के हैं एक तरीके से। मगर चूंकि जाहिर है आदमी जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिकेट से, फिर ये एक ड्राई सब्जेक्ट पे और इतनी अच्छी महारत, ये कैसे कॉम्बिनेशन? उसकी वजह ये है कि आज हम जो बैठे तो इसके अंदर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का बड़ा रोल है। तो क्रिकेट जब कम की ना, तो मैं उस वक्त मेरी नौकरी हो चुकी थी प्राइमरी स्कूल टीचर में, तो उसके बाद फिर वो इत्तेफाक से एक दो दफा रेडियो जाने का इत्तेफाक हुआ प्रोग्राम करने का। तो वहाँ पहली दफा जब मैं गया था तो एक प्रोग्राम था जहानत शर्त, ये बात है 90 की 9, तो वहाँ से मैं ताली बजाने गया था प्रोग्राम। अच्छा। प्रोग्राम को कुछ और लोग आए थे, कॉम्पिटिटर और थे, और जमाने में एक मशहूर क्विजर जिनका नाम था मोहम्मद नकी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन पे होते थे, तो वो यहाँ आए हुए थे। बस वो पहली दफा ताली बजाने गए तो फिर वो ऐसा मजा आया, तो फिर वहां से लिखना, बोलना, पढ़ना ये शुरू कर दिया। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, वहीं पर एक प्रोड्यूसर होते थे मोहम्मद अली मुगल साहब, उन्होंने कहा भाई बात अच्छा, उस जमाने में 2 MA कर चुका था, एक मेरा MA इकोनॉमिक्स से भी है और एक है उर्दू लिटरेचर से भी है, मगर ये मैं जब रेडियो पे जाने लगा तो उन्होंने कहा अब आप इसमें भी कर लें, तो फिर इसमें भी कर लिया, तो इसमें ऐसे किया, तो फिर बस प्रमोशन ही प्रमोशन, तरक्की तरीके, तो वो एक माहौल जो हमें मिलता चला गया और हम बस। अच्छा, मैं अभी थोड़ा साईं जी की जनरेशन आ यू था तहां जे जरिए भी जानन, सो तहां डबल एमए हिकड़ी ऑलरेडी डिग्री था खई, पर तहां के शोबे में वयो हिकड़ो ताड़ी वड्याणी वयो, लेकिन तहां के उन में इंटरेस्ट थियो तो तहां मजीद वरी उनी में एंड थी करे तहां जी स्टडी कई। तो अजकल जो दौर असा नौजवान जो आजकल के जो भी नौजवान है, एक चीज में उनको ग्रिप क्यों नहीं है? थोड़ी चीज हिकड़ी शे पकड़ूं ता वरी उनके छरे तारियूं, माना हर शे में अधूरा हूं। बात दरअसल ये, मैं चूंकि मुझे 30 साल हो गए सर्विस करते हुए भी, मैंने प्राइमरी को भी पढ़ाया, इंटर भी पढ़ाई, कॉलेज भी पढ़ाया, एमए के लोगों को भी पढ़ाया, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट के मुताबिक, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इंटर तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते ना अपने बच्चों को, उनकी कामयाबी के चांसेस 100% हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों के अलावा 10% के, वो पैसे तो दे देते हैं, ये फीस पे कर लें, डेली पॉकेट मनी दे देते हैं, टूर पे जा रहे हैं उसके पैसे दे देते हैं, सिलेबस की किताबें या उनकी जो नीड्स हैं वो दे देते हैं, मगर वो ये नहीं पूछते कि भाई आज आपने क्या किया, सही छाप पढ़े हो छा न पढ़े हो, हाँ ये नहीं पूछते क्या पढ़ाया क्या नहीं, और आपके एग्जाम कब हो रहे हैं, स्लिप आई है नहीं आई, क्या मसले मसाइल हैं आपके। जिन बच्चों के पेरेंट्स ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं, भले वीकली रखें या ट्वाइस ए वीक रखें या जैसे भी रखें, वो हाँ तो बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और ये जो पैसे लगा रहे हैं ये रिटर्न चाह रहे हैं इसका। अच्छा, फिर क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी औलाद होती है तो उसको मालूम होता है, घर में अगर 4 बच्चे ना, चारों की नेचर अलग अलग होती है, और कुछ बच्चे तो बड़े शार्प होते हैं, कुछ बिल्कुल डल होते हैं, तो उन सबको पेरेंट्स लेके चलते हैं और पेरेंट्स बताते हैं। अब जाहिर है कि अभी आपने ये फील्ड चूज कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, जैसे मेरे खुद के 3 बेटे हैं, तो एक का रुझान मैथ की तरफ था तो मैंने उसको NID से इंजीनियर बनवा दिया, मैंने कहा चलो आप यहाँ पढ़ लो। एक का शौक जो था ना वो एक्टिविटीज का जा रहा था, तो मैंने उसको कहा भी क्या, बोले मैं एमए इंग्लिश करूँ, मैं आप ऐसे कर लें। एक जो था ना वो पढ़ने में जरा थोड़ा सा पीछे था, क्रिकेट में जा रहा, तो इनहेरिट हो गया मेरे वायरस उसमें खेलने वाले। हाँ,
तो उसने कहा पापा मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। तो मैंने कहा अच्छा क्या करना चाहते हो? कहला मैं स्पोर्ट्स में करूँगा यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा अच्छा वहाँ एडमिशन ले लें, डिप्लोमास वगैरह या दूसरी पूरा जो मास्टर होता है इसके अंदर स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। तो अब ये क्या कि चेक एंड बैलेंस रखा, अब उनको अपनी लाइनों पर छोड़ दिया, अब वो जाने उनका काम जाने। तो मैं ये अपने तमाम पेरेंट्स से कहता हूँ कि प्लीज इंटर तक जो ना अपने बच्चों को बिल्कुल रखें। अब देखें अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो वो तो बेचारा अपने कमाने के में फिक्र में पूरा हो जाएगा, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं ना जो अपने बच्चों पर बाकायदा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इन्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जो आप प्लांटेशन करेंगे यही कल दरख्त बनेगा। तो उसमें ना सिर्फ आप साए में आएंगे बल्कि पूरा माशरा हमारे में साए के अंदर शेड आएगा, उससे फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, आपको जलाने की लकड़ी भी सब कुछ मिलेगा। तो मैं उन पेरेंट्स से जो कि एजुकेटेड हैं पढ़े लिखे हैं उनसे तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को पहली से लेकर इंटर तक कम से कम अफजल आई यो भी आऊं चवण चाहिंदम तो जेके पढ़े लिखल पेरेंट्स ना हन पर यकीनन उए जेके पजे वार के या जे कम कर तो उनके यकीनन वही रहन उन जे भरसा बिल्कुल तो थोड़ो वही करे वो भी वो डप हुंदा तो बाबा मुजा मां पी जे काम बाबा बैठा न आऊं पढ़ा तो मुके गौर ता करन थोड़ो यो भी करे उठन क्योंकि अक्सर यो भी हुंदा तो बाबा असा पढ़े लिखल कोन आयु तो असा छा दिसु पजे वारन के असा केड़ी खबर छा लिखन ता छा पढ़न ता तिन जे करे भी उछा रेनी ता क्योंकि पहरे जे वक्त में भी दिसो के जे मां पी इतरा पढ़ल कोन होया तू हियर इतरी सुठी पोस्टन ते मौजूद हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल बहुत ऑफिसर ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं लेकिन उन पेरेंट्स ने उनको पढ़ाते वक्त साथ बैठ जाते साथ बैठ भाई आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे देखते रहते रहे। देखिए मैं खुद हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने हर चीज प्रोवाइड की। अच्छा कुछ हम लकी भी रहे कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट मिला ना वो हमें अच्छा मिला। मैं एक ब्रेक उठू ब्रेक को कंटिन्यू क्यों नाजरीन ही वक्त शॉर्ट कमल से ब्रेक जो नहीं प्रोग्राम से तावन के कैंडी बिस्किट ते को थेला है ब्राउन शुगर वाइट शुगर एंड कैरमल सा कैंडी बिस्किट में ये खास मिठास है वो बे कहमे भी कोने कार्ड नंबर जो बस सा गड रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम सताबुन के कैंडी बिस्किट जो ठहल है ब्राउन शुगर वाइट शुगर कैरमल सा कैंडी बिस्किट में जो खास मिठास है वो बेक के में भी कौन है। प्रोफेसर साहब वाकई जैसे आपने बच्चों की साइकी और पेरेंट्स की उनके साथ इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन आपने बताया लेकिन मैं ये क्योंकि फिर स्टूडेंट जो है जी बार वही वेहन था पढ़न था लिखन था उन्हें नॉलेज में कें इजाफो थो डेली हुए तो वे शूँ जिंदगी में वो गुजरन थी हर जगह से ऐसा पर लेकिन कैसे कहते हैं उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछो हो तो वो आंसर को दिन बात देखें उस बच्चों की भी क्लास होती है ना पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। सही हमारे आजकल के दौर में ना कि भाई अगर तनवीर साहब का बेटा जो है ना वो डॉक्टर है तो मेरा भी होना चाहिए तो आप खुद क्या हो तनवीर तो खुद डॉक्टर उसका बेटा डॉक्टर है ना सिखाया सारा। अब आप बिजनेस मैन है तो आप बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हाँ बच्चे में टैलेंट जरूर होता है ये देखें ऑब्जर्व करें कि इसमें टैलेंट किस चीज़ का है ये देखें और जिस चीज़ का टैलेंट हो ना उसको प्रमोट करें। आप इधर ना जाएं कि वो डॉक्टर है तो मेरा हर इंसान में अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी हुई है। पेरेंट्स जो होते हैं उसको बताते हैं जाहिर औलादें हर वक्त साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं खा रहे हैं तो देखते हैं कि भाई ये इसमें क्वालिटी है क्या। जो क्वालिटी महसूस करें ना इवन के उसको अगर वो कोई कहना कि वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा है और उसका शौक है कि भाई मैं फोटोग्राफी करूँगा तो आप उसमें उसको प्रमोट करें। बस हमारे माशरे के अंदर एक कहते हैं ना भेड़ चाल है कि भाई इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर के पीछे ये गलत है। मैं तमाम पेरेंट्स को कहूँगा कि बच्चे के पोटेंशियल को देखें। एक अगर किसी के दिमाग में सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है ना वो एक लीटर का है तो एक ही लीटर उसमें आएगा और अगर किसी का 10 लीटर है तो 10 लीटर आएगा उसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर ये कैपेसिटी 10 लीटर की है तो मेरे बेटे के जहन में क्यों नहीं आ रहा भाई उसका तो जो कैपेसिटी 1 लीटर की है। तो बच्चे अलग अलग होते हैं उनको देखें कि कोई बच्चा अच्छा है तो उसका मूड देखें उसकी साइकी देखें कि भाई ये किस तरफ बढ़ना चाह रहा है बस उसको प्रमोट करें। प्रमोट करेंगे देखें वो खुद ही ग्रेजुअली ऐसा 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 बढ़ता चला जाएगा बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। जाहिर है एक आप एक वैन देखें तो वैन में कोई टायर ही कोई होते हैं उसमें इंजन भी होता है स्टायरिंग भी होता है मिरर ग्लासेस भी होते हैं उसमें स्प्लिट भी उसमें एसी भी लगा होता है उसमें सीट्स भी होती हैं वो सारी चीजें मिलकर गाड़ी बनती है। ये तो गाल हुआ ही थी भी तो जिके शागिर्द पढ़न पे ही स्टडी में जिन जा पेरेंट्स से गड़ी गड़ी फीस दे करे उनन के पढ़ाने की कोशिश पे कर ना उम्मीद जी ता रखे एक्सपेक्टेशंस रखे बैठा लेकिन उथे जिथे बार अन्य तई सोचे ही न थो तो उन जो वालदैन तो बाबा सा पे बारन के मुकलू गवर्नमेंट सेक्टर में ता पढ़ायो भी ता प्राइवेट में ता छा डिफरेंस रिसो दा बिनन में। देखिए एक्सपर्ट जो है ना पढ़ाने वाले वो गवर्नमेंट साइड पर है
क्योंकि गवर्नमेंट की जो जॉब मिलती है ना, तो वो एक पूरे प्रोसेस से प्रोसेस मिलती है, प्रोसेस बिल्कुल मिलती है। को आप प्राइवेट सेक्टर कितना भी हाई क्लास हो जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हमारे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो ना हमारे माशरे के अंदर, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर, एक कहना चाहिए कि भेड़ चाल चली हुई है कि बस हमने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर पर पढ़ाना है। मैंने तकरीबन 9 साल जो है ना वो प्राइमरी पढ़ाई है, और इस वक्त मेरे हाथ के बच्चे पढ़ाए हुए जो है ना, वो कोई इंग्लैंड में है, कोई जर्मनी, बिल्कुल पुअर गरीब वो बच्चे, माशा लेकिन उनमें इतना टैलेंट था कि हम पढ़ा जिम्मेदारी से पढ़ाते थे, वो जिम्मेदारी से पढ़ते थे, और उनके पेरेंट्स क्योंकि इलाके में होते थे ना, तो शाम को मिलकर, भाई मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, भाई वो कैसा पढ़ रहा है, माँ साहब उसको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा नहीं, बस आप भेजते रहे, रोज़ाना भेजते रहे। आज भी हमारा जो है ना, थोड़ी सी हमें बस एक्टिव होने की ज़रूरत है, आज हमारा जो सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ना, गवर्नमेंट सही का भी, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे टैलेंटेड हैं कि आप उनको एक लफ्ज़ बोलोगे ना, वो चार आपको रिटर्न के अंदर देंगे, बताएंगे। तो बस ये कि थोड़ा सा हम जो है ना, वो एक प्राइवेट सेक्टर भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चले, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना आज भी स्ट्रांग है, उसके पास एक्सपीरियंस्ड, जैसे एक्सपीरियंस टीचर, जैसे मैंने हाँ, पहले भी कहा एक था, से एक सही सही शानदार प्रोफेसर ऐसे, वो PhD किए हुए, बाहर के फॉरेन फॉरेन से आए हुए, सही उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो इतनी सी बात को ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि जिसको कहते हैं ना हिप्नोटाइज करना, वो सही बच्चों को बिल्कुल, और बच्चा सुनेगा कि ये कहाँ से बात हो रही, कैसी बात हो रही, ये तो हमने कभी सुनी नहीं। सही जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो उसकी बात करेगा, बात है, बिल्कुल सही करेगा। सही सब। मैं दोबारा फिर आपकी स्पोर्ट्स पे आती हूँ कि वक्त फिर कैसा रहा, कैसा दो वहाँ से कैसा एक एक्सपीरियंस रहा, और आपने क्यों क्रिकेट में इंटरेस्ट लिया था? देखिए मैंने तकरीबन 17 साल, मैंने बताया ना, ग्राउंडों के चक्कर लगाए, 17 साल और ग्रुप 17 साल सही बहुत खेली, और बड़े बड़े लोगों के साथ खेली। इस वक्त मेरे साथ जो लोग खेलते हैं ना, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर है। ग्राउंड से मैंने 3-4 चीज़ों को सीखा। एक तो ये सीखा कि बर्दाश्त क्या चीज़ होती है, आप हार भी गए ना तो सामने वाले को आपने एक्सेप्ट करना, शेक हैंड करना है उसको, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देनी कि आप सही जीत गए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप मैच हो रहा होता है ना, अभी हारे नहीं, आप मैच खेल रहे हैं और आपको मालूम भी है कि आप हार रहे हैं, तो आपने उस वक्त जो है ना, क्राइसिस के टाइम सोचना कि मैंने जीतना कैसे, सही मैंने जीतना कैसे इस चीज को, फिर भले आप हार जाएं लेकिन आपका दिमाग शार्प होके चलेगा, ठीक है। उसके बाद पूरी टीम है ना, उसका हर बंदा जो है ना, वो अपनी अपनी एक प्लानिंग दे रहा होगा, वो शेयर करते हैं आगे, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो, तो आपको क्राइसिस के टाइम जो है ना, प्लानिंग का अंदाजा होता है कि प्लानिंग करनी कैसी है। बेशक भले आप हार जाएं, लेकिन हर दफा तो आप नहीं हारेंगे ना, तो वो सही जो वक्त होता है ना उस ग्राउंडों का, ग्राउंड सिर्फ खेलने की जगह नहीं है, ग्राउंड आपको बहुत सारे आदाब सिखाता है, ग्राउंड आपको बर्दाश्त सिखाता है, ग्राउंड आपको देखता है कि आपने लाइन बना के कैसे खड़े होना है, ग्राउंड में ये बताया ना कि आपकी पोजीशन क्या है, और आपको मालूम होता है कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। सही हर क्रिकेटर हर जगह फील्डिंग नहीं कर सकता, कुछ सही मखसूस जगहें होती है जहाँ वो खड़े होकर कंफर्टेबल होता है कि अगर यहाँ कोई कैच आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी चीजें ग्राउंड से मिलती हैं, सही सही और ये जबरदस्त नहीं कि भाई आप ग्राउंड में गए तो आपको कुछ नहीं। मैं अगर मैं कहूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ या आपसे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, तो इसमें जहाँ मुख्तलिफ इदारों का तालीम का है, वहीं वो ग्राउंड के भी मेरे साल है जो मैंने सीखा है वहाँ, सही बर्दाश्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीखा। बिल्कुल। अच्छा आप किस में एक्सपर्ट थे, बॉलिंग या बैटिंग में? मैं ऑलराउंडर था, बैटिंग और माशाल्लाह बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छी करता था। अब जाहिर है मैंने हैदराबाद बोर्ड को रिप्रेजेंट किया, सिंध यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, और डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, तो सही सही। जाहिर है अच्छा खेलने वाला तो अच्छा फिर हूँ। आपका आइडियल आइडियल कौन था? हाँ उस जमाने में आइडियल जो ना मेरा वसीम अकरम साहब थे, हाँ वसीम अकरम, वक्रम थे, और वो नए आए थे, वो हमारे से उम्र के बराबर ही थे, ये मैं बता रहा हूँ 1986 में, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर जो है ना, जॉफ हावर्थ उनका न्यूजीलैंड का कैप्टन था ना, वो लम्हा याद भी याद है मुझे। तो मैं सुबह सुबह ट्रेनिंग पे जा रहा था, भाग सुबह सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो उन्होंने उसको आउट किया था, तो वो नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, सही सही अच्छे जबरदस्त। तब इंसान से भी हैं फिर आप उनके बस। फैन हो हाँ गए जाहिर उनके, है किसी को तो फॉलो सही सही करना पड़ता है बिल्कुल ना, बिल्कुल ठीक। जैसे सिंगिंग में हम फॉलो करते हैं, बोलने में फॉलो करते हैं, तो आप फॉलो माशाल्लाह आप नहीं, मल्टी टैलेंटेड है, बस ये थैंक खुदा की तरफ से जो भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। है। आज आपको आके कैसा लगा सुबह मेरा प्रोग्राम? जबरदस्त था आज का दिन, बड़ा जबरदस्त था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और जो टॉपिक आज का था ना कैंसर के हवाले से, तो ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देनी अवेयरनेस चाहिए, है और आपके
प्रोग्राम ने ना जबरदस्त किस्म की जो टॉक्स हमारी बात हुई है और जो अवेयरनेस दे रहे हैं, तो भले हमारा मैसेज एक तक पहुंचे, एक तो सेफ होगा ना, कम से कम, और वो एक दस को सेव कर ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में कीमती वक्त निकाल के जितने नाज़रीन असें वक्त पंहिंजे प्रोग्राम जो पुराणी पहुतो आहे। यही ॻाल्हि आहे त पंहिंजो सिहत जो वध में वध जेको आहे ख़्याल कयो, ऐं कैंसर जो ॾिसो केतिरी अवेयरनेस काफ़ी प्रोग्राम्स आहिनि, तव्हां उन्हनि ते वरितो वञो, उते अटेंड कयो, या त नेट ते जेके अवेलेबल्स आहिनि। क्योंकि पहिरियों ई अगरि असांखे ख़बर पइजी वञे त बाबा हीअ जेके सिम्पटम्स आहिनि असांजे जेके अचनि था थी कैंसर जा आहिनि, त उन्हनि जो फौरी तौर ते इलाजु थी सघे। इनशाला सुभाणे वरी मुलाकात थींदी ऐं हिन प्रोग्राम सां तव्हां खे कैंडी बिस्किट जेको ठहियल आहे ब्राउन शुगर, वाइट शुगर ऐं कैरमल सां, कैंडी बिस्किट में जेके ख़ासि मिठास आहे उहो बि कंहिं में बि कोन्हे। तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तहरीम खे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़।